Welcome to my channel. This is Sam. I'm playing Red Dead Redemption 2. So I've been trying to complete the Master Hunter challenge, the whole challenge in this video. We have done up to level 7, I think. Let me check. I don't remember. We killed cougars, 5 cougars. We completed 5 cougars in 2 videos. It took me 2 hours to do that. Okay, Master Hunter. Predator and herbivore lured and killed. Okay. Maybe I can do it here also. Maybe I will set a trap here somewhere. Let's get the reward bait here. Come on. Just wait in a distance. Okay, sir. Auto save. Maybe this is a good distance, right? We have to kill a predator too. So in this game you cannot skin horse. I did not want to kill him, but the birds flew away and this was the only one left. Wait, I will place the predator birds in some place else. Like in this place. And I will wait for it. In this position. Some predators are coming. That's a predator. I think it came to eat.
And I can see it now. Wow, this is some epic shit. What the fuck? A serious animal cruelty? That mother fucking asshole? He already ate it. So not dikhai nahi mother to this lode lode ke bacche ke jaise. हो गया लेवल 7 कंप्लीट. लेवल 8 का देखते हैं क्या है. व्हाट इज लेवल 8? कैच 3 स्मॉल फिश विदाउट यूजिंग ए फिशिंग रॉड. ओके, ऐसे तो मुझे फिश दिख जाता है. चलो इधर तो नहीं मिलेगा, अपने घोड़ा के पास जा रहा हूँ. करता हूँ मैं ये डकोटा रिवर लिंपनी के इधर पहुंच चला जाता हूँ. लेट्स गो टू स्ट्रॉबेरी और वैलेंटाइन फर्स्ट ट्रैवल. गेम मैकेनिक्स के हिसाब से अगर तुम घोड़े को मारते हो, गेम मैकेनिक्स के हिसाब से बोल रहा हूँ. अबे मेरा घोड़ा मालक चूर उधर क्यों चला गया? अबे ये क्या चीज है? इसने मुझे काटा भी. कैम तो बना नहीं सकता मैं. मरा होगा कुछ. फिश करना है विदाउट यूजिंग रॉड, फिशिंग रॉड मतलब गोली मार के या फिर कुछ और करके. चलो देखते हैं कैसे करते हैं. तो सुअर ने मेरे को मारा था, सही है. आया अचानक से मार के चला गया, उसकी वजह से मैं उन लोगों से बची है. नहीं तो वो लोग मेरे पे गोली चला रहे थे. यहाँ पे बना सकता हूँ कैंप. थैंक यू वेरी मच. साला एक सेकंड, अपन तो स्ट्रॉबेरी के सामने ही है. वैलेंटाइन चलते पीछे. बहुत दूर जा रहा है. Hey
Hey there. Okay. Hello there. Hey, partner. Hello there, mister. I like this. Can you have a kind face? मछली पकड़ना है विदाउट फिशिंग रॉड, मतलब एक ही ऑप्शन रहेगा, गोली चला के या तो तुम आप मार के नहीं तो चाकू मार के। अभी ये तीनों में आप तीनों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन पे काम होगा वही मेरे को जानना है। मेरे को दोबारा नहीं मिला जो आदमी वो जिनसेंग फिर ये सब हर्ब्स उठाता था, जिसने मेरे को अमेरिकन टोबैको इंडियन टोबैको दिखाया था। मुझे पहले ही मिला था लेकिन फिर भी वो आदमी अच्छा था। गाड़ी से घोड़ा से उतरो और भाई गायब। पानी ऐसे जगह जाओ कि पानी साफ तुमको और मछली दिखे। अभी छोटा मछली पकड़ना है। और एक मारा ना मैंने, हो गया 3 of 3। अब नेक्स्ट क्या है भाई? 9। नाइन दिखा ना भाई। किल एन ऑपसम प्लेइंग ऑसम। अच्छा इसके लिए बारिश भी हो रहा है यार। जो ऑपसम प्लेइंग पॉसम, अरे क्या बना चुकी है। अभी टाइम कितना हो रहा है? नाइट तक करता हूँ। तो मैंने एक चीज़ देख रहा था कल मैं कि ये जो ऑपसम है ये रात में एक्टिव होता था ना, लेकिन इसको ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ के मारना पड़ेगा। ऐसे नहीं अभी तक वो ऑप्शन नहीं आया, बहुत ज़्यादा रुका, पता नहीं कहाँ गया ऑप्शन। Come on now, boy.
सब वाइट टेल बक, वाइट टेल डियर, यही सब है। आपको सब मिलना भाई उतना आसान थोड़ी है, कहीं कभी मिल जाता है भाई, लक लक अच्छा हो तो मिल जाता है। जैक रैबिट है, काम करता हूँ मैं, उल्टा जा रहा हूँ, इधर चल चलता हूँ। इधर खाली जगह होगा, मार्ट उठ होगा तो इसमें मिलने का चांस है। जगह मार्क कर देता हूँ, इससे जगह जाता हूँ। अभी हो सकता है कि घोड़ा के नीचे आ जाए, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन वो नहीं करना है। हम लोगों को मारना है जब वो ऑपसम ऑसम का मेरे को जो मतलब पता है वो है, मतलब जब वो एनिमल अपने आप को दिखा रहा हो कि वो मर चुका है, मर गया है, उसी को कहते हैं ऑसम। प्लेइंग पॉसम, ऑपसम प्लेइंग पॉसम मतलब वही होता है, मरने का नाटक करेगा तभी उसको मारना है। ये तो कायोटी है, तो लक अच्छा हो जाता तो मैं, लक अच्छा होता तो मिलता है भाई, हर टाइम नहीं मिलता है वो। लॉन्ग हॉन्डो, इधर भी एक कहा था ना, थोड़ा राइट में आता हूँ ना, इधर से चला जाता हूँ। ऑपोसम वाला थोड़ा हार्ड होगा भाई, क्योंकि इसको सच में ढूंढना पड़ेगा। उनके तो आधा चीज मिलता भी नहीं है। वो क्या था, स्क्विरल, बहुत सारे एनिमल्स इधर उधर कर रहे हैं। ब्लैक टेल जैक रैबिट है क्या सारे, मुझे शक है कि ऐसे दिखेगा वो।
देखना पड़ेगा ना कहाँ मिलता है, कैसा आइकन होता है उसका, आपस में कमेल को थोड़ी पड़ता पता है भाई। स्कंक दिख रहा है, अमेरिकन बैजर दिख गया, तो आपको देख के समझ आ जाएगा कि ऑपरेशन है, वो मरने का नाटक करेगा जब भी आप तुम सामने जाओगे, चल के जाओ, घोड़ा लेके जाओ या फिर कोई भी कुछ भी करो, वैगन में आओ तो वो जहाँ रहेगा वो अगर तुमको महसूस कर लिया तो वहाँ पर वो ठहर जाएगा, दिखाएगा कि वो मर चुका है लेकिन असल में नहीं मरा है। इसकी वजह से डेडाई भी काम नहीं करता कभी रात में, डो नहीं चाहिए मुझे। अपने कुछ तो कुछ और ही ढूंढना, देखो 7-8 कितना आसानी से हो गया, 9 करना पड़ रहा है। कब मिलेगा ये पता भी नहीं, किसी को नहीं पता, मेरे को पता है ना आपको पता है। तो रैबिट है, वो भी रैबिट है, ढूंढना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं मिलेगा वो। बुझ गया वो रैबिट, एकदम पैर के बीच से निकला। क्या भाई मिलेगा कि नहीं, रात से दिन हो गया भाई, लेकिन ऑपरेशन नहीं मिला। ऐसे कितना मिल जाता है मेरे को खुद दिखा है, एनिमल आप सामने जाओगे तो वो ऐसे दिखाएगा कि वो मर चुका है, एकदम स्थिर रहता है एक जगह पर।
ये जो सब NPC यहाँ पे रैंडमली कैंप बना के रहते हैं, इन लोगों को मतलब एक ही दिया रहता है इंस्ट्रक्शन, एंटेगनाइज। ग्रीट का कोई ऑप्शन ही नहीं है, ग्रीट का अगर ऑप्शन होता तो वो इंसान मेरे को मतलब देखते ही नहीं बोलता कि निकलो यहाँ से, बात करता है। ऐसे बहुत सारे NPCs है जो बात करते हैं। एक NPC जो था, हम लोग उसके कैंप में गए तो बोला कि मेरा रेस्ट हो गया, तुम रेस्ट कर लो फिर निकल जाना। ऐसे NPC बहुत कम मिलते हैं भाई। एक सेकंड में आता हूँ मैं। ओके, लेट्स ट्राई इट समवेयर एल्स। लेट्स मार्क अप दिस एरिया। आई जस्ट I saw the guy who did this went there. If I find it nearby, then it's okay. If not, actually, if you have seen all my gameplays, you know that we did not find the opossum at the in daytime. I do not think we ever found an opossum in daytime. Yeah. As because the opossum is a nocturnal animal, so it only roams around at night. So if you want to kill it, you have to go there by night. इन लोगों को हेलो बोलूँ मैं, इन मादा चोदों को क्या बोलेगा, इन कुछ नहीं बोलेगा, एंटेगनाइज करने की कोशिश करेगा, इसलिए हटाओ नीचे नीचे। तो यहाँ पे मैं कैंप बनाता हूँ रात तक के लिए। सेवेंटीन आवर्स हाँ, लेवल 10 जो चैलेंज है, लेवल 10 है वो पैंथर को मारना। इसके लिए तो अपन रेडी है। निकल जाता है गन और सब कुछ। अभी यहाँ पे ढूंढो भाई, शायद मिल जाएगा। लक भी बहुत काम आता है भाई, लक इज अ वेरी मेजर फैक्टर है फाइंडिंग ए ऑपोसम। जैक रैबिट, स्क्विरल, यही सब है क्या यहाँ पे? बारिश हो रहा है फिर शब्द।
एक जगह पे सर्च कर लिया, ये भी कायोटी है। ये इतना टाइम लगाएगा तो मेरे को लेवल 10 भी तो करना है मास्टर हंटर का। ले ही लेता हूँ, आ गया मेरा। अच्छा नहीं ले सकता, मतलब फुल ही है, इतना होना चाहिए। तो रैबिट हंट्स भी खतरनाक चैलेंज है, क्योंकि 90% टाइम आपको वो एनिमल मिल जाता है जिसको आप हंट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे तो भाई एनिमल का नामो निशान तक नहीं दिख रहा है। वेयर द फक डू आई फाइंड अपोसम। नहीं भाई इधर तो नहीं मिला। ओके सो अनदर प्लेस I just found as near Rick station, like this place here. So maybe I will go to Strawberry. Come on. And as I said, this possum is a nocturnal animal, so you have to hunt it between 10 p.m. and 4:30 a.m. because at 5 light comes on and it's not dark anymore, so it's going to be between that time frame that you have to hunt down the possum or at least find it. Now you can see it's already morning, so I'm just see what time it is. It's 6:10. So I'll just go out of this. I think this is wilderness enough, I guess. Far am I from that place? Okay, let's go to Rick station and then or we can just make camp here and let's leave it. See, I am so close to the road now, I can make a camp, but when I need to make a camp beside a road, I get the six to six is twelve. It's now 6 p.m. If I
6 a.m. If I sleep for 12 hours, it is 6 p.m. Okay, and go to night, it will be like 12 a.m. something like that. So 12 a.m. is a perfect time between the time frame. I don't know if I am going to find it now. Where the fuck did I come? Okay. Then I need to go back. Always this. As I heard that you can that's keeping us from going for that panther, legendary panther. That looks like awesome. Yeah, that is definitely awesome. See, I did not know that if I got the right thing or not. Somewhere else, or I can kill them and take this lady to Blackwater again. Should I do that, or should I go for the legendary animal? It's a hard bargain, man. No, we came here to do the legendary animal, so we'll do that legendary animal. Maybe I'll just follow them for a bit. Oh no, there are guys here. If they see me, because we already know the spawning point of that animal. We just have to go there and search for it. Let's go to Rhodes. I should have gone to Braithwaite Manor, right? My bad. So Monster Hunter Challenge 10. The last one is to find the Guagarmo panther. Or Google, no, Cougar, I don't know. Maybe it's a panther. It's a panther, I guess. I think it's a panther. Mujhe lagta hai panther hi hai. The bank of roads, hum log aaye the. Yahan pe uska death hua tha. Uska naam kya tha? Kuch naam tha, mujhe yaad nahi hai.
हम लोग को जाना है इस तरफ। कैटफिश जैक्सन्स के इधर ही मिलता है वो एनिमल, क्योंकि वहाँ पे एक मार्क भी आ चुका है। चला के जाता हूँ तो थोड़ा क्या टाइम गुजरेगा तो थोड़ा साफ होगा। 5:23 AM सुबह पता है, लेकिन आसमान साफ नहीं है इसलिए थोड़ा अंधेरा अंधेरा है। और ये जो पैंथर है, ये पैंथर भी मतलब एकदम ब्लैक कलर का है, उसमें स्ट्राइप थोड़े डिज़ाइनर है उसका स्किन, लेकिन वो दिखेगा नहीं ऐसे। नॉर्मली सारे एनिमल्स को मैंने पहले स्कोप किया फिर मारा था, लेकिन इसको मारने के लिए भाई मेरे को लगता है मेरे को डायरेक्ट मारना पड़ेगा। ऐसे मारने के लिए things in one of those boxes. Sir, they're yours. Might just be a hero, mate. Good luck to you. बक्सा तो दिख रहा है लेकिन बक्सा खोलने का ऑप्शन नहीं दे रहा। हंड्रेड परसेंट इसमें कुछ भी नहीं है। मेरे को लगा था इस बक्सा में कुछ हो सकता है। नीचे मेडिकल बॉक्स है। हे चीज मिला है जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मुझे तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए था, उसको ले जाना चाहिए था। जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। 46 मिनट्स हो गया। चुका हूँ
लेकिन अभी ढूंढने में आसानी होगा क्योंकि अभी तुम जाओगे तो तुमको वो दिखा देगा कि यू हैव एंटर्ड द लोकेशन ऑफ अ लेजेंडरी एनिमल। पहले नहीं दिखाता था क्योंकि मास्टर हंटर का नहीं था ना अपन का, लेकिन अभी हो गया है। पैंथर है, देखता हूँ अगर पुअर होगा तो गिरा दूंगा मैं, गुड होगा तभी रखूंगा। बोला ना पुअर है। मैं तो दूर से ही दिख गया था, लेकिन जैसे मैं बोलता हूँ कि जब भी मैं निकलता हूँ तब भी मेरे को फिर से गन चीज चूज करना पड़ता है। दिखा देना चाहिए उसके आसपास ही मिल जाता है। इधर नहीं दिख रहा तो शायद इस कैटफिश जैक्सन किधर दिखता हूँ। मैंने आपको बता दिया कि दिखा भी दिया कि मास्टर एंडर के 9 चैलेंजेस कैसे करना है। 10वां चैलेंज तो वही है ना कि आपको ढूंढ के निकालना है पैंथर कहाँ बैठा हुआ है। मैं तो जगह का गोल गोल चक्कर भी लगा लिया 2-3 बार भाई, मुझे किधर भी नहीं दिख रहा। So maybe I'm in the wrong place. Let's go there. So the panther that we found here is not related to the legendary animal. The legendary animal could be found somewhere near Boulder Blade. And this place is huge. Okay, now we can see you have entered the area of a legendary animal territory. Hunt this legendary and find in the inspecting clues.
Okay. So that's one clue there. That yellow thing. See, question mark has come, so this is the first clue. I will use cover scent motion. Come on. It's a pool of blood here. Yes, to the ways. What the fuck? Is that a snake? Motherfucking snake. It's another clue there. Oh, that's just a red fox. What the fuck is the clue, man? Oh, yeah. Shit! What the f- I did not even see him coming. Come on! That was pathetic. I'm gonna kill this beast. I'm getting the maximum POV now. Oh, you are dying, bitch. I am definitely with a shotgun. Even with cover scent lotion, I died. How is this guy roaming around here without any worries? What the fuck? क्या भाई yep.
बोल्डर ब्लेड पहुंच गए। एक ही बार में मारना होता है क्या? दोबारा चांस नहीं मिलेगा? मुझे लगता है कि हंट करने का मतलब टाइम ही होगा कुछ। ये जगह मेरे नजर में पहले क्यों नहीं आया? नाव ऊपर कैसे चला गया भाई? तो नीड फॉर स्पीड का नाव लग रहा है, मतलब फास्ट एंड फ्यूरियस का नाव लग रहा है ये। कुछ अलग होता तो मैं ले भी लेता। इंस्पेक्ट करने का भी कुछ नहीं है। मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ फिर भी नहीं मार पा रहा हूँ, ये कैसा है? सिचुएशन है भाई। इस बात पर मेरे को फिर से नाइट में आना पड़ेगा। व्हाई इन अ हाइड आउट? ये कैसा चुतिया है? यहाँ पे कैंप बनाने दे रहा है लोड़े। मतलब वो मेरे को दिखते दिखते मर गया, मैं बंदूक निकालते निकालते मर गया मैं। और पता नहीं मतलब डेड आई काम नहीं करता क्यों जब ऐसे एनिमल्स सामने होते हैं। तो एक घंटा हो गया एंड चोट लोड़ी के बाद लोड़े मदर चोट की औलाद। ये तो मैं बोल रहा हूँ कि एक ही बार आएगा क्या? ये किसका ग्रेव है? किरण हो, किरण का ग्रेव है जिसका सिर काट के कैंप में भेजा था। भाई मैं तो तरफ गया भाई इसको मारने के लिए लेकिन मार नहीं पा रहा, क्योंकि
के मिल ही नहीं रहा है। पहला बार मैंने क्लूज इकट्ठा किया जब मारने का टाइम आया तो बंदूक से गोली नहीं निकला, डेटा ही काम नहीं किया भाई मेरे को। तुम बिलीव नहीं करोगे अगर मेरी जगह पे तुम होते ना, एक कंट्रोलर प्लेयर वाले हंस रहे होंगे कि भाई बेटी चोर इसको तो खेलना ही नहीं आता। टाइम पे अगर अटैक कर देता तो मैं क्या करता, तो आर्थर तो कट सीन में व्यस्त है, रेसबेरी उठाने गया तो पेड़ के अंदर चला गया, फिर रेसबेरी उठाना भूल गया, फिर उसको मैं बैक करके लाता हूँ, फिर वो रेसबेरी उठाता है। मैंने रेड फॉक्स भी देखा था, मैंने सोचा कि रेड फॉक्स तो भाई लक, बहुत लक का फील होता है। मैंने आप लोगों को एनिमल तो दिखा दिया ना, वही जो एनिमल मेरे को मारा वही एनिमल को मारना है। अभी येलो कलर का आएगा, ऐसे तो मिलेगा ही नहीं ढूंढ के, पहले तो क्लूज ढूंढना पड़ेगा इसके लिए। तो समझ में आ गया कि इसको रात को ही हंट करना है, लेजेंडरी एनिमल। ये भी अपने मतलब गया था टेरिटरी में, साला फिर से बाहर निकल के आया, क्लूज तो छोड़ो कुछ भी नहीं दिखा रहा। मैं उल्टा चला गया यार, ऐसा करने के लिए टाइम लगेगा। मैप में जिस जगह मार्क किया है उसके वहीं पे घूम रहा हूँ मैं, लेकिन एक बार आया था कि वह इंटर चलो लेजेंडरी एनिमल, उसके बाद कुछ नहीं आया।
है मेरे को नेक्स्ट वीडियो में ही ये करना पड़ेगा, ये तो अभी घंटा मिल भी नहीं रहा है। और एक कुछ गया होता तो तक अटैक कर देता है, थोड़ा ही रुकता होगा। मेरे को भी वही लग रहा है कि एक स्पेसिफिक टाइम है जिस जस्ट जब आप उस टाइम पे आओगे तभी वो ऑप्शन आता है कि लेजेंडरी एनिमल के इलाके में घुस चुके हो। दिखाया तो भी हम एंटर का पता नहीं कुछ अजीब सा ग्लिच है। छोटा सा स्पेसिफिक जगह है उसमें, उसी में घुसते हो तो दिखाता है कि यू हैव एंटर्ड द लेजेंडरी एनिमल लोकेशन। गन हमेशा हाथ में रखो यहाँ पे भाई, और कोई भी जगह में नहीं दिखा रहा है, वो ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा है, बस उसी जगह पे आ रहा वो प्रॉम्प्ट। चलो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, और हम लोग अगले वीडियो में ज़रूर इसको ढूंढ के निकाल के मारेंगे भाई, अभी मिल नहीं रहा है क्या करूँगा। चलो बाय गाइस, हैव अ गुड डे, टेक केयर, सी यू सून इन अनदर वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड सी यू सून, टेक केयर। Bye guys, have a good day.
चलो भाई।